चीन और ताइवान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन सिर्फ यही दो देश नहीं है, अमेरिका और जापान में भी हलचल दिख रही है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर विस्तारवादी चीन ये सोच रहा है कि वो कमजोर ताइवान को डराकर उसे हड़प लेगा, तो चीन गलतफहमी में जी रहा है। चीन ताइवान बॉर्डर पर टैंक गरज रहे हैं। मिसाइलें ताइवान को ललकार रही हैं। जिनपिंग के लिए कमजोर ताइवान बहाना। मकसद ताकतवर अमेरिका को संदेश देना। क्या ये विश्व युद्ध से पहले की आहट है? आखिर ड्रैगन की दबंगई कब तक चलेगी? देखिए, पीएलए का कमांडर जैसे ही फायर का आदेश देता है, उसके बाद मिसाइलों की झड़ी लग जाती है। पूरे आसमान में धुआं ही धुआं नजर आता है। दूसरी तस्वीर देखिए, अत्याधुनिक तोप को मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। जैसे ही लाल झंडे से इशारा हुआ, शुरू हो गई ताबड़तोड़ फायरिंग। ताइवान से सटे चीन के सात इलाकों में इस वक्त ऐसा ही नजारा है। चीनी पीएलए के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के बहाने चीन ने ताइवान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल चीन तब से तिलमिलाया हुआ है जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन की धमकियों को नजरअंदाज कर ताइवान पहुंची थी। अब उसने ताइवान को सात तरफ से घेर लिया है। हालांकि सामरिक शक्ति में ताइवान चीन के आगे कहीं भी नहीं ठहरता, फिर भी चीन की बौखलाहट ताइवान को डराने पर आमादा है। अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन अपने 27 लड़ाकू जंगू विमानों को ताइवान के करीब एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भेज चुका है। इनमें ज्यादातर विमान ताइवान की सीमा में भी घुस गए। देखिए विस्तारवादी चीन ने कैसे ताइवान को अपने जंगी बेड़े से घेर रखा है। लाइव फायर ड्रिल में ताइवान बॉर्डर पर चीन के 27 लड़ाकू जेट, वॉर एक्सरसाइज में चीन के 10 J-16 लड़ाकू विमानों में शामिल ताइवान को उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व से घेरा। मिसाइल डिस्ट्रॉयर और समुद्री जंगी जहाज पहले से ताइवान बॉर्डर पर तैनात। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जंगी बेड़ा ताइवान की समुद्री सीमा के अंदर भी घुसपैठ कर चुका है। चीनी सेना के दो समुद्री जहाज ताइवान के बेहद करीब तैनात हैं, जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक जेट फाइटर और मिसाइलें मौजूद हैं। चीन ने अपनी नौसेना के दो अहम एयरक्राफ्ट कैरियर लाओलिंग 001 और शेडोंग CV-17 को भी ताइवान बॉर्डर की तरफ तैनात कर दिया है। लियोनिंग पर 40 लड़ाकू विमान हैं और शेडोंग पर करीब 36 लड़ाकू विमान। एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादा J-16 लड़ाकू जेट हैं, जो एटमी ताकत से लैस हैं। यहां तक कि चीन की सेना तीन जगहों पर ताइवान की समुद्री सीमा के अंदर घुसपैठ कर चुकी है और ताइवान को दुनिया से अलग थलग कर दिया है। खबरों के मुताबिक अब चीन की घेरेबंदी के बाद समंदर के रास्ते या फिर एयर स्पेस के रास्ते कोई ताइवान में प्रवेश नहीं कर सकता। अब समझिए, अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध छिड़ा तो किसके पास कितनी ताकत है, कितने हथियार हैं, वो आपको दिखाते हैं।
चीन के पास 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, ताइवान के पास सिर्फ 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, चीन के पास 5,10,000 रिजर्व सैनिक हैं, ताइवान के पास 1.5 लाख रिजर्व सैनिक ही हैं, चीन के पास 1200 फाइटर प्लेन हैं, ताइवान के पास 288 फाइटर प्लेन हैं, चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर हैं, ताइवान के पास 208 हेलीकॉप्टर हैं, चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, ताइवान के पास 91 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, चीन के पास 5,250 टैंक हैं, ताइवान के पास 1,110 टैंक हैं, चीन के पास 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ताइवान के पास सिर्फ 3,472 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, चीन के पास 4,120 स्वचालित तोपखाना है, ताइवान के पास सिर्फ 257 स्वचालित तोपखाने हैं, चीन के पास 79 सबमरीन हैं, ताइवान के पास सिर्फ 4 सबमरीन हैं। हम आपको बता दें कि चीन, ताइवान और अमेरिका तीनों देशों ने अपनी फौजों को कॉम्बैट रेडी यानी जंग के लिए तैयार रहने को पहले ही कह दिया था। तीनों देश फौज के लिए हाई अलर्ट जारी कर चुके हैं। भले ही चीन ने यह नाकेबंदी ताइवान की है, लेकिन हकीकत यह है कि सुपर पावर अमेरिका को जिनपिंग का ये बड़ा और कड़ा संदेश है। इसके जरिए चीन अमेरिका को ललकार रहा है। आज तक ब्यूरो।